नंबर फोर, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी आर एम एस. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सो मैंने आर एम एस लिखा है. ये हमें फाइंड करनी है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 800 केल्विन. जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना है, 800 केल्विन. डेटा में, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो मास की वैल्यू है वो कितनी है, 3.34 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम. और ये जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था. और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर केल्विन. ये जो एम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, और ये जो के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं. इनकी वैल्यू हमें पेपर में गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा या जो भी हमें एटम गिवन होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन जो भी, उसके मास की वैल्यू हमें गिवन होगी. और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमें गिवन होगी. हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है. ये फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि वी नो दैट एम वी स्क्वायर बार इक्वल्स 3 kT. यहाँ से मैं वी स्क्वायर बार की वैल्यू निकाल लूँ तो ये किसके इक्वल है, 3 kT अपॉन एम. एक चीज़ जो यहाँ पे अहम है वो ये कि वी स्क्वायर बार का मतलब है स्क्वायर मीन. सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया है और उसके बाद मीन कैलकुलेट किया है. नीचे मैंने लिखा है कि अगर मैं स्क्वायर और मीन के बाद उसका रूट भी कैलकुलेट कर लूँ तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, स्क्वायर मीन और रूट. पहले मैंने स्क्वायर किया है, फिर मैंने मीन लिया जैसे मैंने ऊपर लिखा है, और उसके बाद मैंने रूट भी लिया है. तो इसको मैं कह देता हूँ आर एम एस, आर एम एंड एस. और इसी को लिखने का तरीका ये है कि वी आर एम एस. तो वी आर एम एस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं वी स्क्वायर बार को क्या करूँगा, रूट ले लूँगा. सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे वी स्क्वायर बार तो पहले से ही मौजूद है, उसका जब रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस. और राइट हैंड साइड पे रूट एज इट इज. थ्री नंबर है, के की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, और एम मास है वो भी मुझे पता है क्योंकि कॉन्स्टेंट है. सो आफ्टर इंसर्टिंग द वैल्यूज इन यूर कैलकुलेटर यू विल गेट द आंसर. ठीक है, चेक दिस वैल्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दो टेम्परेचर्स हमारे पास गिवन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दोनों के लिए हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारी कोशिश होगी कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करें. ठीक है, बिकॉज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, नॉट सेंटीग्रेड नॉट फ़ारेनहाइट. तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है, सिर्फ मैंने 273 प्लस किया तो ये दोनों टेम्परेचर्स किस में कन्वर्ट हो गए, केल्विन में. ये दोनों टेम्परेचर्स मुझे गिवन है और मुझे इन दोनों टेम्परेचर्स के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. उसके अलावा मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स. और उसके अलावा मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी कैलकुलेट करना है इन्हीं दोनों टेम्परेचर्स के लिए. जो पहले वाला टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए मैंने काइनेटिक एनर्जी एवरेज भी कैलकुलेट की है और काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी कैलकुलेट की है. जो सेकंड वाला टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैंने कन्वर्ट किया है, 323 केल्विन बन गया है, इसके लिए ये पूरा प्रोसीजर आपने खुद से सॉल्व करना है. ओके, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर बार के. और हाफ एम वी स्क्वायर बार लास्ट वीडियोस में हमने ड्राइव किया था किसके इक्वल है, 3/2 kT के. के की वैल्यू कांस्टेंट है, मैं पहले लिख चुका हूँ, सो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे भी रखी है. टी टेम्परेचर मुझे गिवन है कितना है, 273. आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 5.65 एक्सपोनेंट माइनस 21 जूल. ठीक है, आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर में इंसर्ट करें तो ये आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल. वही टेम्परेचर है 0 डिग्री या 273 केल्विन, जिसके लिए पहले मैंने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी, अब मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट कर रहा हूँ. जब मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करूँगा तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की है उसे सिंपली एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा. Na इज द एवोगाड्रोस नंबर. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि Na एवोगाड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट है. और वो वैल्यू कितनी है, 6.02 एक्सपोनेंट 23. 9 केमिस्ट्री में ये वैल्यू सबने पढ़ी होगी. सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऊपर मौजूद है,
एन ए अवोगाड्रो नंबर है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में इंसर्ट करें, सो ये आंसर हमारे पास आना चाहिए। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये मैंने इस टेम्परेचर के लिए की है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ये सारी कैलकुलेशन मुझे इस दूसरे वाले टेम्परेचर के लिए भी करनी है, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कन्वर्ट करने के बाद कितना हो गया, 323 केल्विन। सो ये तमाम तर प्रोसीजर आप इस टेम्परेचर के लिए भी फॉलो करें, आंसर बुक में गिवन है। अगर आप सही तरीके से इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सो आंसर वही आना चाहिए जो बुक में गिवन है। ओके, दैट्स इट।